खाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खास बातचीत। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सबसे बड़ा इंटरव्यू लिया, जरा सुनिए। चुनावी राज्य राजस्थान में पिछले 30 सालों से सरकार बदलने का पैटर्न है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतिहास बदलने की तैयारी में, और वो क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो आत्मविश्वास है वो उस जो जनता है राजस्थान की, उस वजह से है। और क्यों है ये, क्यों आत्मविश्वास आया, क्यों तस्वीर बदल रही है, ये उनसे जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं इस तमाम बात करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि जिनको जादूगर कहा जाता है, क्या वो इस बार ऐसी जादूगरी दिखाएंगे जो 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी। बार बार ये कहा जाता है कि पिछले 30 साल से सरकार बदलती आ रही है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन हाल ही में 15 अगस्त को एक भाषण हुआ था आपका, उसमें आपने अपने 4.5 साल के कामों को गिनाया और साथ में कंपेयर किया भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कामों को। ये जो कंपैरिजन था, इसके पीछे की वजह, क्योंकि उसी के साथ जुड़ के आया है 2030 का विजन, तो सर ये क्या, इसके पीछे के मायने क्या है? देखिए, अनुभव ये कहता है कि जब जब सगा बदली है तो सारे काम रुक जाते हैं। रिफाइनरी रुक गई हमारी, जो 38,000 करोड़ की थी, 5 साल बंद कर दी उन्होंने पीटी गवर्नमेंट ने, तो आज वो 72,000 करोड़ की हो गई है। ऐसे कई काम है जो कि मतलब बंद कर दिए गए। दूसरा जो हमने 5 साल तुलना करी, मैंने असेंबली में करी थी, अगर आप आगे देखेंगे तो राजनीति का फर्क है। तो जनता समझ रही कि हो क्या रहा है। पिछले 5 साल में इसलिए तुलना करी, उसमें अंदर आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने आगड़े पड़े थे असेंबली के अंदर भी, सब लोग देखते रह गए विपक्ष वाले, तो ये क्या हो गया, तो इतना बड़ा फर्क है। तो हमने कहा इस बार मुझे लगता है मैं इतना घूम रहा हूँ जनता में, हमने सारे अच्छे फैसले किए, गुड गवर्नेंस दी है, लगता है इस बार की सरकार रिपीट होगी। जनता माई बाप होती वैसे तो देखो, वही तय करिए क्या करना है। तो मुझे जो रेस्पॉन्स मिल रहा है जनता का, आम लोगों का, हर वर्ग का, गांव में भी शहरों में भी, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, जो बात करें जिससे, तो लगता है इस बार जनता का मूड ये है कि भाई सरकार रिपीट करनी चाहिए, जिससे कि जो काम इस बार हुए हैं वो और ज्यादा मजबूती के साथ सरकार चल सके अगली बार। और इसलिए विजन दिया जो मैंने 2030 का, उसका मतलब यही है कि विजन तो बने कम से कम हमारे प्रदेश के प्रदेशवासियों का, वो क्या सपना देखते हैं 2030 के अंदर राजस्थान हर क्षेत्र में कहाँ तक पहुंचे, हर वर्ग के लोग अपना अपना सोच बताएंगे कि भाई क्या सोचते हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर। बिल्कुल, हर क्षेत्र में। सर, आपने पिछले खास तौर पे जो आखिरी बजट जो आपका था, जो बजट आया था, उसके बाद राहत शिविर कैंप हुआ, जिसके बाद से तस्वीर बदलती नजर आई। लेकिन राहत शिविर कैंप हुआ, 500 रुपए में आपने गैस दी, तमाम योजनाएं आई, लेकिन फिर आपको क्या लगा कि 2030 की जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह है 2030 की? आप राहत दे ही रहे थे, आपने अपने योजनाएं भी दी, तमाम चीजें घर तक पहुंच रही हैं, लेकिन ये 2030 का एक्चुअल रीजन क्या है? देखिए, मेरे दिमाग में आया कि हम वहां पहुंच चुके हैं राजस्थान के अंदर, आजादी के बाद से ही तावे अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, डेजर्ट एरिया है राजस्थान के अंदर, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, ये हमारी पूरी तरह से इमेज थी राजस्थान की, अब बदल गई वो इमेज। शिक्षा के क्षेत्र में भी शानदार आज संस्थाएं आ गई चुकी, IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, कोई छोड़ा ही नहीं हम लोगों ने, और सारे फायदे मेरे वक्त में हो गए, चाहे मेरे पहले कार्यकाल में हुए, दूसरे में हुए, तीसरे में हुए हों, फैसले सब हमारे वक्त में हुए। 6 विश्वविद्यालय थे पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना, आज 96 विश्वविद्यालय हैं, अधिकांश मेरे वक्त में हुए। कॉलेज जो थी 76 साल में बनी 250 कॉलेज, मैंने 4 साल में बना दिए, 3 कॉलेज बना दिए। तो ऐसे उदाहरण इतने मिलेंगे आपको कि रात और दिन का हमने फर्क महसूस करवा दिया आप जनता को भी, कितना बड़ी फर्क पड़ता है, गुड गवर्नेंस का पड़ता है। तो मैंने देखा शिक्षा के अंदर प्रगति की, हेल्थ सेवाएं हमारी नंबर वन देश के अंदर है, भारत सरकार की सोच में पड़ गई है कि चिरंजीवी योजना जो 25 लाख बीमा है वो तोड़ क्या है,
ये मैं सुन रहा हूँ आगे लोगों से कि 25 लाख का बीमा कर दिया, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, बड़ी बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने एक्ट बनाया, 4 RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा बनाया, क्रांतिकारी काम उन्होंने किया। पहली बार आज़ादी के बाद में अधिकार आधारित अधिकार दिए गए पार्लियामेंट कानून बना करके, हमने दिया 5वां कानून राइट टू हेल्थ का दिया। मोदी जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आप भी आगे आइए और 5वां कानून बनाइए, सोशल सिक्योरिटी बनाइए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, और मेडिकल भी आ जाएगा और सारे अधिकार मिल जाएंगे आम नागरिक को। दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, हर परिवार का जीवन उपार्जन करने का दायित्व सरकार पर होता है। आज हम लोग 21st सेंचुरी पहुंच गए हैं, हर परिवार का दायित्व सरकार पर होना चाहिए। जो नीडी है वो ही लेंगे पैसा, तो उनको इमदाद मिलनी चाहिए। आज हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं पेंशन, मिनिमम 1000 रुपये कर दिया हमने। तो ये जो मैं मेरी सोच बता रहा हूँ, मेरे समझ समय आ गया कि आज देश के अंदर लागू होना चाहिए। आपने 24-25 पॉइंट्स तो बता दिए कि जब राजस्थान ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात की आपने, काफी सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन ऐसी वो कौन सी चीजें हैं, मैं आपसे ये सवाल कि आपने समझा राजस्थान को इतने उससे कि 2030 के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो होनी चाहिए, 2030 तक बिजली है, पानी है, वो कौन सी समस्या है जो सबसे पहले राजस्थान के लिहाज से पूरी होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो आर्थिक रूप से आज देश के अंदर उत्तर भारत नंबर 1 है, दक्षिण को मिला दें तो नंबर 2 है, नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान है। 11.4% आंध्र प्रदेश GDP के अंदर, 11.04% राजस्थान आ गया है। उत्तर भारत में हिंदी राज्यों में राजस्थान टॉप पर है आज भी, पर हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं राजस्थान में माइंस एंड मिनरल्स के भंडार, अथाह भंडार है, उनका दोहन हो यहाँ पर, पर कपड़े इनकम बढ़े, लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए तो रोजगार मिले नौजवानों को। अब जब मैंने इन्वेस्ट राजस्थान किया था, 10 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, आएंगे मेरे 5 लाख करोड़ के आएंगे, 4 के आएंगे, 3 आएंगे, 2 के आएंगे। गुजरात में ऐसे होता था, वहाँ भी 10 लाख 20 लाख MOU होते थे, 7-8% आते थे मान लो, पर कम से कम एक पहल शुरू होती है। तो हम लोगों ने शुरुआत की है, हम चाहते हैं यहाँ महंगाई के मान में, तो हमने स्कीम दे दी आपको, 500 रुपये गैस दे दिया, अन्नपूर्णा योजना किट दे रहे हैं हम लोग, मोबाइल फोन दे रहे हैं, कामधेनु योजना में गायों का बीमा कर रहे हैं, गाय मर गई लंपी में तो हमने 40,000 रुपये दिए, हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिए होंगे, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। परंतु महंगाई कम की मार तो हम कर सकते हैं इसकी में दे करके, पर रोजगार जो है सरकारी नौकरियों की लिमिट होती है। आज हम 3 लाख के आसपास सरकारी नौकरी दे रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड है देश के अंदर, पर गैर सरकारी इन्वेस्टमेंट आएगा तो नौकरी मिलेगी। तो आज विजन देने का मतलब है कि हम आने वाले वक्त में 2030 के अंदर हम वहां पहुंच जाएं, कम से कम रोजगार के लिए लोग भटकना नहीं पड़े, रोजगार के लिए नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़े, नहीं जाना पड़े। तो तमाम तरह की जो सोच है वो निकलेगी जनता के दरबार से निकलेगी, युवा, छात्र, महिलाएं, मजदूर संगठन हो, चाहे वो चैम्बर कॉमर्स के लोग हों, व्यापारी हों, किसान हो, सब वर्ग के लोग बात अपनी कहेंगे, तो एक सपना साथ में संजो करके हम लोग विजन लाएंगे। जब आपने अपने भाषण में ये बात कही कि खनिज पदार्थ बहुत हैं, बहुत ज्यादा जो रिसोर्स हैं, क्योंकि आज से पहले छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर आंध्रा या दूसरे जो साउथ के रास्ते, तभी माना जाता था कि अगर कुछ मिनरल्स या फिर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो वहाँ हैं। लेकिन आप आज इस इंटरव्यू से पहले मैंने आपका फिनेंस का जो रिपोर्ट है वो पढ़ी, पिछले कुछ समय में, इसलिए नहीं कि आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले कुछ समय में फिस्कल डेफिसिट हुआ या पिछले कुछ समय में हम हर चीज में बेहतर हुए हैं, खासतौर पर जैसे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, सोशल सिक्योरिटी के जितने भी इश्यूज हैं उसमें हम बेहतर हुए हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मामले में राजस्थान में बेहतरी तो पिछले 4 सालों में आई है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। तो इससे 2030 से जुड़ा यह सवाल है कि UDH मेट्रो, और एक कि रेड लाइट ना हो,
जो खास तौर पे जो वो इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ हाईवेज हों, क्योंकि केंद्र सरकार हाईवेज पे बहुत काम कर रही है। तो आपके उस पूरे डॉक्यूमेंट में मैंने देखा कि जहाँ पर ये पूंजीवाद वाला जो व्यय है उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान पीछे है, तो उसके लिए 2030 का क्या विजन है आपका, खास तौर पर मेट्रो कनेक्टिविटी और दूसरा हाईवेज बनाना, सड़कों का बेहतर कनेक्शन को लेकर? देखिए, मेट्रो का काम भी इन्होंने बंद कर दिया था पिछली बार, हमने आगे वापस शुरू किया, अब पूरा हुआ फर्स्ट फेज। सेकंड फेज का अब हम शुरू करेंगे, ये हमारी प्लानिंग है। और जो मिसिंग लिंक है, पहले मेट्रो बन चुकी है, उसके दो मिसिंग लिंक है, वो काम हम सितंबर में शुरू कर रहे हैं, अगले महीने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रोड्स करीब 1,50,000 किलोमीटर रोड का काम हमारे यहाँ पर करीब 60,000 तो हो चुका है, बाकी काम चल रहा है। हमारे यहाँ स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, विलेज रोड्स, मिसिंग लिंक, दो गांवों के बीच में रोड्स, ये हमारे लगातार काम चल रहे हैं। सड़कें चौड़ाईकरण हो रहा है, सुदृढ़ीकरण हो रहा है, तो सड़कों का काम हम बहुत बड़े रूप में करें। नंबर दो, जैसा अभी आपने कहा कि अन्य राज्य को उदाहरण दिया आपने, राजस्थान के अंदर तेल निकला है बाड़मेर के अंदर। आज राजस्थान देश के अंदर जो प्रोडक्शन होता है तेल का, 20% खाली राजस्थान से हो रहा है, रिफाइनरी लग रही है यहाँ पर। राजस्थान में पोटाश जैसा जो है खनिज, वो सिर्फ हिंदुस्तान में, राजस्थान में ही सिर्फ हनुमानगढ़ बीकानेर के अंदर, पर दोहन के अंदर भी करोड़ों अरबों रुपये लगते हैं। हम चाहेंगे कि उसका दोहन हो, जो अभी तक हो नहीं पाया। पिछले टाइम मैंने अटैम्प्ट किया था, वो अटैम्प्ट फेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आए वापस चले गए, कोर्ट केसेज भी हुए थे मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे याद है। तो कहने का मतलब, अपार संभावनाएं छिपी हुई राजस्थान के अंदर है। राजस्थान हर क्षेत्र में आगे कैसे बढ़े, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या पानी बिजली योजनाएं हो, और चाहे सोशल सिक्योरिटी हो। सर, आप 1 करोड़ लोग राजस्थान के, उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनसे उनका विचार समझना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से राजस्थान को कैसे देखते हैं। इन 1 करोड़ लोगों में विपक्ष भी आता है, आप विपक्ष से ही बातचीत करेंगे, वो भी अपना योगदान, अपना सुझाव, क्योंकि राजस्थान तो सबका है, आपके लिहाज से क्या आप उनको बुलाएंगे बातचीत? आह्वान किया, उनको भी आह्वान किया है कि इसमें राजनीति नहीं हो। मैंने कोरोना के अंदर भी उनको आह्वान किया था, उनसे बातचीत भी करी मैंने, मीटिंगों को बुला करके। मैंने 200 एमएलए से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, 22 घंटे लगाए मैंने बैठ करके, 22 घंटे बैठा मैं खुद और सबसे बात करी। और अभी जब 2030 है, वो तो सबके लिए आह्वान है, उनको आगे आना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके कहा कि आप पहले का हिसाब देखिए, हाल ही में परसों ट्वीट करके ये कहा कि आप पहले का हिसाब देखिए, आप 2030 में आगे कहाँ देख रहे हैं, तो विपक्ष तो पहले ही नेगेटिव नजर आ रहा है। देखिए, वसुंधरा जी बुखला गई है, उन्होंने जो कमेंट किया कल, वो मैं एक भ्रम टूट गया लोगों का उनके प्रति। राजस्थान में विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा जी का नाम आता था, हम लोगों का नहीं आता था। अब मैं विजन दे रहा हूं, जो विजनरी वो कह रही है कि ये क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, तो वो मैं समझता हूँ उनको ये कमेंट नहीं करना चाहिए था, मेरा मानना। सर, अब ऐसे में अभी हाल ही में जब मैं आ रही थी तो एक भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े मंत्री, उन्होंने ये कहा, जब मैंने पूछा राजस्थान में क्या है, आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि आपको भले ही आज 51% पे कांग्रेस नजर आ रही होगी, लेकिन होने ये वाला है कि आने वाले दिनों में अकेले मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान में दौरा कर रहे होंगे, प्रचार प्रसार कर रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ चारों दिशाओं में यात्राएं चलेंगी अलग अलग दिशाओं में, दूसरी तरफ मोदी जी आएंगे कहीं, अमित शाह जी आएंगे कहीं, जेपी नड्डा जी आएंगे कहीं, राजनाथ जी आएंगे कहीं, यानी कि पूरी की पूरी जो पार्टी है वो रेड कार्पेट बॉम्बिंग करके राजस्थान को घेर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि कांग्रेस में कुछ नहीं होगा, अकेले मुख्यमंत्री जी करते रहेंगे और हम वहां पर लोगों के दिमाग को कैप्चर कर लेंगे। ये उनकी गलतफहमी है, हमारी पार्टी में एकजुटता भी है, हमारी पार्टी में खड़गे साहब भी आएंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, और मैं समझता सब नेता आएंगे। तो वो जो हम घमंड कर रहे हैं ना, वो उनका हिमाचल में फेल हो गया,
कर्नाटक में फेल हो गया, वहां भी उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग ही करी थी, क्या नहीं कहा वहां उन्होंने, पर दोनों जगह सरकार बनी कांग्रेस की। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में तो दो बन चुके हैं, अब चुनाव तीसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और तीनों जगह सरकार कांग्रेस बनेगी। तो आप सोच सकते हैं कि माहौल बदल रहा देश के अंदर, वो समझ नहीं पा रहे। उनके पास साधन जितने ज्यादा है, केंद्रीय मंत्री, MPs आके बैठे हुए यहाँ पर जिलों के अंदर, कोई कमी है नहीं। अप्रोच उनकी जो खतरनाक अप्रोच है, ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ED, इनकम टैक्स, CBI उनके साथ खड़ी है, उनके इशारे पे जाते हैं वो लोग एडवांस में, जहाँ जहाँ चुनाव होता है एडवांस में जाते हैं, ED जाती है, इनकम टैक्स जाता है, ये सब हरकतें मालूम है देशवासियों को, मालूम पड़ रहा है। और जो नजदीक होते मुख्यमंत्री के, उनको ढूंढो पहले तो, वो टाइट कर दो, वो चंदा नहीं दे रहे कांग्रेस पार्टी को। एक तरफ चंदा ले रही BJP, इलेक्टर बॉन्ड है, पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट चाहिए टॉप प्रायोरिटी फैसला करे इलेक्टर बॉन्ड का। खुले रूप में आप समझ लीजिए कि एक तरफा सरकारी करप्शन हो रहा है, कोई रोक नहीं रहे। ये तमाम बातें जो है खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। आपने कहा कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है ED काम करती है। छत्तीसगढ़ में 200 छापे लग चुके हैं, करीबियों के भी लग चुके हैं मुख्यमंत्री के। आपको लग रहा है कि अब राजस्थान की बारी है, एंट्री होगी ED? यहाँ भी आके बैठे होंगे ED वाले, इनकम टैक्स वाले, सुनते रहते हैं। वो कितने डराव वाले हम लोगों को, राजस्थान में हम डरने वाले नहीं है, हम तो स्वागत करते हैं उनका, आप आइए। और हम ये कहते हैं जहाँ करप्शन हुआ है आप छापे डालिए, बेईमानों को पकड़िए, अरेस्ट कीजिए, जेलों में भेजिए, हम स्वागत करेंगे आपका। हमारा चैलेंज है उनको, आप आइए, छापे डालिए, पर ईमानदारी से, तथ्यों के साथ में, जहाँ आपको सूचनाएं मिली है या जहाँ आपको लगता है बेईमानी हुई है, आप कार्रवाई कीजिए, कौन मना कर रहा है आपको। सर, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी भी और आप भी दोनों राजस्थान में चुनाव में उतर गए हैं, चुनाव आ ही गए हैं, एक महीने बाद आचार संहिता भी लग जाएगी 1-1.5 महीने के अंदर, लेकिन एक दूसरी तरफ आपका विजन है 2030 का। सवाल यह है कि अक्सर जब भी कोई विजन डॉक्यूमेंट होता है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए होता है, ये 7 साल का विजन डॉक्यूमेंट के पीछे की वजह क्या है? ये शॉर्ट टर्म है। एक बार जब जनता का जो इन्वॉल्वमेंट भी होगा, उनकी भावना सामने आएगी, उसके बाद में हम ऐसी स्थिति में आएंगे कहने की भी लॉन्ग टर्म में विजन क्या होना चाहिए, वो भी कह सकते हैं हम। लेकिन इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं, और खास तौर पे नेशनल कैपिटल दिल्ली में, कि आप इतने आश्वस्त हैं क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लस आपका जो ये बयान हुआ, मैं जिद पे भी आना चाहूंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये कहती है कि 2023 के नतीजे छोड़ दो, 2028 के नतीजे छोड़ दो, बात करना 2030 में। तो यानी आपने अपने आप को 2030 तक, या कांग्रेस को राजस्थान में 2030 तक पक्का कर लिया है, इतना कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास? मैंने कभी नहीं कहा उस वक्त मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, ये मैंने कभी नहीं कहा। इसीलिए कांग्रेस को कर दिया आपने? मैंने कभी नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ विजन होना चाहिए राजस्थान वासियों का कि हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, टारगेट होना चाहिए, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों को वर्तमान पीढ़ी क्या सौंप के जाएगी, ये हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए विजन की बात कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा मैं उस वक्त मैं ही सरकार में रहूंगा, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, ये मैं कभी नहीं कह रहा हूं। इसी से जुड़ा एक सवाल जिद से पहले मैं लेना चाहूंगी कि अभी मैं जब रिसर्च कर रही थी तो एक यूनिसेफ के एक सीनियर अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि राजस्थान की कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर दूसरे देश, श्रीलंका हुए या दूसरे देश हुए, वो भी रिसर्च करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कैसे लागू हो सकता है जिससे कि वो अपने देशों में भी इसको लागू कराएं। तो अगर दूसरे देश या दूसरे राज्य इसको करना चाहते हैं तो आप फिर उनकी मदद करेंगे इसमें, समझाने में, इसको लागू कराने में? हमारे कई स्कीमें, कई एक्ट ऐसे बन गए हैं, कल भी एक आर्टिकल पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जो कोई न्यूयॉर्क के बेस है या इंडिया में रहते हैं, और जो गिग वर्कर्स एक्ट बनाया हमने अभी, उसको लेकर उन्होंने राजस्थान की जो तारीफ करी है एक्ट की, इस एक्ट से हिंदुस्तानी बल्कि दुनिया के कई मुल्क जो प्रेरणा लेंगे, उनको आगे आना चाहिए। लाखों लोग जो हैं, जब से उबर ओला आए हैं,
जोमेटो आए, जो भी सर्विस डिलीवरी वाले आए हैं, इन सब में जो लोग काम कर रहे हैं, ड्राइवर्स है, डिलीवरी बॉय इत्यादि हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनसिक्योरिटी है। हमारे कानून ने उनको सिक्योरिटी प्रदान करी है, उनकी उन्होंने तारीफ करी है। तो आप सोच सकते हैं, हमारे जो एक के बाद एक एक्ट बनाया हमने, मिनिमम इनकम गारंटी बनाया, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, कई आर्टिकल आए अखबारों के अंदर, नेशनल अखबार में आ रहे हैं। राइट टू हेल्थ एक्ट है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट बनाया है। 500 रुपये गैस सिलेंडर क्यों नहीं है? अब 500 रुपये 1150 सिलेंडर आप 500 में दे रहे हो लोगों को, गरीबों को। तो आप सोच सकते हैं, हमारे जो फैसले हुए हैं इस बार, वो ऐसे हुए हैं जो मैसेज देने वाले पब्लिक को भी, जनता के साथ हम खड़े हैं, आपके साथ में खड़े हैं। तो जेन्युइनली इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये काफी न्यू इनिशिएटिव है, खासतौर पर जो गिग वर्कर्स हुआ, राइट टू हेल्थ हुआ। और वैसे अगर जैसे मैंने आपका विजन वो जो पढ़ा मैंने आपकी फाइनेंस रिपोर्ट, उसमें दो चीजें, शिक्षा और सामाजिक कल्याण, ये दो मामलों में राजस्थान ने बहुत ज्यादा बेहतर काम पिछले इन दिनों में किया है, सिक्योरिटी प्रदान कराने में, एक मेंटल सिक्योरिटी कह सकते हैं आप, कि आप राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि राजस्व भी, रेवेन्यू के लिहाज से भी काफी कुछ राजस्थान अपने आप को राजस्व दे पा रहा है, उसको केंद्र पर डिपेंडेंट होने की आगे आने वाले टाइम में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो पूरे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन बनते हैं। फाइनेंस कमीशन बंटवारा करता है केंद्र का और राज्यों का हिस्सा, तो कोई ऐसा नहीं करता केंद्र सरकार राज्यों को इमदाद करके, बल्कि एनडीए गवर्नमेंट ने तो बर्बाद कर दिया राज्यों को। फाइनेंस कमीशन ने कहा 38% जो बंटवारा होता था वो 42% कर दिया। उन्होंने क्या किया है, 42 तो मान लिया, पर जो CSS होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जिसमें 90-10 का रेशियो होता है, 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार, कई 80-20 होता था, कि 70-30 होता था, उन्होंने क्या कि बराबर में कर दिया है, या 60-40 कर दिया, तो ये बराबर कर दिया उन्होंने। तो इससे हमें करीब 76,000 करोड़ का नुकसान हुआ उन लोगों ने, 76,000 करोड़ का। और नंबर टू, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, आप बताइए, उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी का बंटवारा राज्यों को होता था पहले, बेसिक एक्साइज ड्यूटी कहलाती है। इन्होंने चालाकी से क्या किया है, अपने भंडार भर रहे हैं। जो एक्साइज ड्यूटी थी बेसिक, वो तो एक एग्जाम्पल के रूप में 5% में ले आए 100 से, और नई लगाई है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, नंबर दो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, नंबर तीन सेस लगा दिया, वो ले गए 5 से ले गए आप 80 पे ले गए, 90 पे ले गए, उसमें बंटवारा नहीं हो सकता राज्यों के अंदर, वो पूरा खजाना खुद का भर रहे हैं। तो ये जो अप्रोच उनकी है वो संघीय ढांचे में राज्यों के खिलाफ में अप्रोच है, मेरा मानना है। सर, अब आप ये मानते हैं, ये जो जिद का फैक्टर है, किस बात की जिद है? आपने दो जिद पिछले हाल ही में जो समझ आई, जिद पहली कि मुझे राजस्थान को नंबर वन बनाना है, दूसरी खास तौर पर एक जिक्र आपने किया कि अगर वो ERCP को राष्ट्र परियोजना नहीं बनाना चाहते तो मेरी जिद है कि मैं लागू करा के रहूंगा, मैं ERCP पे काम करूंगा। तो सर, ये पॉलिटिकल मुद्दा भी रहने वाला है पहले से भी, और अब जब आपकी ये जिद आ गई है तो ये इस पूरे चुनाव में चलेगा, लेकिन ये जिद है क्या? देखो, जिद यही है कि प्रधानमंत्री के मुंह से कोई बात निकले तो जनता विश्वास करती है। जो वसुंधरा जी थी यहाँ चीफ मिनिस्टर, उनके वक्त में योजना बनी थी ERCP की योजना, 13 जिलों में पानी पहुंचाना पीने का भी, और 2,00,000 हेक्टेयर में इरिगेशन का भी। उन्होंने रिफाइनरी बंद कर दी, मैंने उनका काम बंद नहीं किया, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इतना ही फर्क है हमारी अप्रोच में और BJP के अप्रोच के अंदर, ठीक है। मैंने खुद ने भाषण सुने प्राइम मिनिस्टर के जयपुर में, अजमेर के अंदर, क्योंकि पहले वसुंधरा ने मैसेज दिया होगा प्राइम मिनिस्टर को, भी आपको आके यहाँ पर घोषणा करनी है राष्ट्रीय परियोजना की। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा, और पूरा उन्होंने एक्सप्लेन की योजना को, 13 जिले के नाम लिए उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी खुद ने, 13 जिले में जयपुर भी आता है, अजमेर भी आता है, अलवर भी आता है, करौली, धौलपुर, उतही है, माधोपुर, दोथा, भरतपुर, अलवर, सब है, टोंक भी है, और भी जिले हैं।
जब प्राइम मिनिस्टर नाम ले रहा जिलों का, तो जनता समझती भाई इसका मतलब तो बहुत सीरियस है प्राइम मिनिस्टर और ये हमें योजना को पूरी करके रहेंगे। अब उसके बाद सगाई बनती है, हमारी बन जाती है और उसके बाद में वो चुप हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री घुमरा कर रहा बार बार पब्लिक को, यही यही की मंत्री है हमारे। हमें तो बड़ी खुशी हुई थी जब वो बने, जल संसाधन मंत्री बने, बड़ी खुशी हुई। नया विभाग बनाया, मैंने प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद भी दिया था मीटिंग के अंदर कि आपने बहुत अच्छा काम किया ये। और उसके बाद स्थिति है कि वो पता नहीं उनके दिल के अंदर क्या भावना है, गुमराह करते रहे आकर के लोग। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आएगी तो कर देंगे। अब मैंने सुना एक स्टेटमेंट कि आप राजेंद्र राठौड़ को मुख्यमंत्री बना दो तो हम फिर इसको राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। अब बताइए केंद्रीय मंत्री के मुंह से ऐसी बात सुबह देती है क्या? तो ये स्थिति बनी है। तो मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्या फर्क पड़ने वाला है? मान लीजिए आपने घोषित कर दी राष्ट्रपति योजना, वहां पे मध्य प्रदेश में आपने करी, यूपी के अंदर चुनाव आए तब, मेरे साउथ में करते होंगे, 16 परियोजनाएं देश के अंदर आ जाए जो राष्ट्रीय परियोजना है। क्या आप राजस्थान के हित को देखते हुए जो आज अकाल सुखे से जूझता रहा जिंदगी भर सदियों से, क्या वहां पे आप एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते? क्या क्या तकलीफ हो रही है उनको? क्यों गुमराह करें पब्लिक को? क्यों बहानाबाजी कर रहे हैं? बल्कि मेरे को डाउट है कि मध्य प्रदेश गया सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ख्याल से मैंने सुना है वो भी मंत्री की सर पे गया होगा, जिससे कि मैं बदनाम नहीं हूं। बताइए बिना मतलब लड़वा रहे दो राज्यों को, मध्य प्रदेश राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बैठे साथ में, एग्रीमेंट किया दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, एग्रीमेंट के आधार पर हम आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश ने अपने यहां डैम बना दिए, बनाने के बाद में जब उनको वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़ी तो उन्होंने रिक्वेस्ट की राजस्थान सरकार से एनओसी के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट ने दे दी इनको एनओसी वसूलारी के वक्त में। अब जब हमारी बारी आई बांध बनाने आ रही है तब अड़चन डाल रहे हैं मध्य प्रदेश, एग्रीमेंट वही है। तो ये जो धोखेबाजी हो, धोखा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर एक और जिक्र आया था क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी से कहा कि क्या फर्क पड़ जाता, तो सर क्या फर्क पड़ जाता उस दिन 3 मिनट अगर आप बोल देते, आपकी स्पीच होनी थी सीकर में, तो ऐसा क्यों है सर? क्या कम्युनिकेशन गैप रहा पीएमओ और सीएमओ के बीच? वो गैप नहीं रहा, लिखित में आए थे, मेरा प्रोग्राम था जुड़ने का, मेरे फ्रैक्चर है इसलिए मैं जा नहीं सकता था, और वैसे ही उनका प्रोग्राम जो होता है वो उद्घाटन के प्रोग्राम होते हैं अलग, 200 मीटर पे होते हैं पब्लिक मीटिंग से हट के, पब्लिक मीटिंग होती है उनकी पॉलिटिकल होती है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो होता रहा राजनीति के अंदर। और पॉलिटिकल प्रोग्राम के अलावा 200 मीटर या 500 मीटर पे अलग प्रोग्राम रखते हैं जब 4-5 लोग बैठते हैं। 200 में ही किया उन्होंने, जब रोड हाईवे का किया उद्घाटन, मैं जुड़ा उस वक्त, मैंने अपनी बात कर रखी वहां पर। मैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में बैठता हूँ। पर सर आप मांग रख देते हैं कि ये दे दो राजस्थान को, ये दे दो, वो तो डेमोक्रेसी के अंदर मांगने तो कोई बुरा नहीं है ना, जनता की क्या डिमांड है वो बताई जाती है। बीकानेर में भी आए वो नेशनल हाईवे के उद्घाटन के अंदर, हालांकि नेशनल हाईवे पूरा बना ही नहीं था, 80 किलोमीटर बाकी पड़ा हुआ है, सांसद के आगे उद्घाटन करके चले गए, कोई बात नहीं तो चलता रहा देते। पर आप बताइए, हमें उस वक्त भी वो लिंक नहीं दिया बोलने के लिए। किसी भी राज्य में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ना, क्या राज्य के मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं कि वो 2 मिनट बोल सके? और अभी आए सीकर के अंदर आप दे रहे हो इमदाद, दे रहे हो मान 60 मिनट वो दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, 40 मिनट हम दे रहे हैं, जमीन हम दे रहे हैं, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? वैसे भी छोड़िए जमीन की बात छोड़िए, 60-40 की बात छोड़िए, राजस्थान में कोई काम हो रहा है तो क्या राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान का मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है कि 2 बात कह सके पब्लिक को भी? पहली बात तो पहले प्राइम मिनिस्टर आते नहीं थे ऐसे प्रोग्राम के लिए, ये नहीं अप्रोच करते प्रधानमंत्री, खुद जाते हैं, खुद हरिजन दिखाते हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो एक वेलकम करते हैं। हमने हमेशा प्रधानमंत्री के पति की गरिमा कायम रखा, मैंने हर जगह बैठता हूँ चाहे वो लिंक मिले या नहीं मिले, उसी मेरा नाम काट दिया इन्होंने, मैंने सुबह 7 बजे ट्वीट किया, पीओ ने जवाब आया वापस, मैंने वापस को जवाब दिया जो सच्चाई थी कि देखिए आपने लिखित में भेजा था। फिर भी मैं जुड़ा उस दिन बीसी में जुड़ा, क्योंकि मेरा फर्ज बनता प्रधानमंत्री जयपुर में या शिखर में आए हैं
तो पता मेरे पति गरिमा काम रखना हमारा फर्ज बनता है, मैं जुड़ता हूँ। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, जांच का विषय है। मैंने पत्र लिखा उनको कि जांच करवाइए आप, ये आपने कैसे मुख्यमंत्री का नाम हटाने का, किसने फैसला किया ये? तो आजकल जमाना बदल गया, पहले राष्ट्रपति जाते थे राज्यों में, पहले वो पूछते थे, कमेंट पूछते थे, क्या बता रहा है, क्या है, मैं आऊं या नहीं आऊं, क्या प्रोग्राम है, किस लेवल का प्रोग्राम है। राज्यपाल महोदय जाते थे तो सलाह करते थे राज्यों की सरकार की सलाह करते थे, मुख्यमंत्री अपना सलाह हो जाती है। आजकल ना प्रधानमंत्री ना गवर्नर साहब हो ना राष्ट्रपति महोदय हो, जो आते हैं अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब वापस जाते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं। अगर मान लो आप इन्वॉल्व करो स्टेट गवर्नमेंट को तो हम और अच्छे ढंग से स्वागत करें, मैनेजमेंट करें, सिक्योरिटी का ध्यान रखें, ये संबंध रहना ही चाहिए मेरा मानना है। बिल्कुल सर, आपने अभी ERCP का जिक्र हमने जब आपसे किया तो दो ऐसी योजनाएं हैं, एक ERCP और एक रिफाइनरी, ये दो योजनाएं हैं जो राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। सर रिफाइनरी लंबे समय से चल रही है, जब वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में भी हुआ इस पर जिक्र हुआ कि क्या ये पूरी हो जाएगी, फिर आपका कार्यकाल आया उसमें कोरोना भी आया, तमाम चीजें आई, तो रिफाइनरी के लिए इस 2030 के लिहाज से भी कह लें या आपका राजस्थान के लिए जो विजन है ERCP और रिफाइनरी दोनों के लिए आपका विजन क्या है और इससे ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा राजस्थान के? अभी मैं गया था विजिट करने के लिए, बिल्कुल, तो हमने बातचीत करी, हमने क्या क्या आया है कि आप टाइम बाउंड इसको पूरी कीजिएगा और मुझे विश्वास दिलाया गया हम इसको 31 दिसंबर 2024 तक पूरा कर देंगे इसको, रिफाइनरी के काम को। पर 38,000 करोड़ की योजना जो थी बहुत 1,000 करोड़ की बन गई है, बीजेपी के वसुंधरा जी के शासन के और केंद्र सरकार के, जो भारत सरकार का भी उसमें SPCL तो उनका ही है, उनकी उनके निर्णय से बंद करने का क्या तुक था, बंद करने का अधिकार क्या था? जब कोई योजना बनती है, शिलान्यास होते हैं, तो सब तरह एग्जाम होने के बाद होता है। तो आप बताइए रिफाइनरी का फैसला भारत सरकार का था, कैबिनेट का फैसला होगा, उसका विरोध क्यों दिया? मैं ये पूछना चाहता हूं, जनता का जवाब दे। बीजेपी वाले ये कैंपेन करते फिर रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं चारों दिशाओं से, पूछो इनको यात्रा जवाब तो जनता को, तुम्हारे लोगों के काले कारनामे, काले निर्णय है जिनके कारण राजस्थान को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, उनके लिए जवाब दो पहले जनता को, फिर जाओ ERCP में क्यों राष्ट्रीय योजना घोषित हो रही है, जवाब बताओ उनको जनता को। जवाब निकल रहे हो यात्रा में, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा इनको, जनता को, जनता पूछेगी इनको। बिल्कुल सर, जो 4.5 साल में, क्योंकि आपने यात्रा का जिक्र किया, 4.5 साल में जो आपकी पार्टी में हुआ अब वो सेटल दिखता है, लेकिन अब वो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिख रही है, लेकिन फिर भी यात्राएं निकाली जा रही हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्या सचमुच राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है? बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, सब एकजुट होकर लगे हुए काम में सर। क्योंकि खड़गे साहब ने राहुल गांधी जी जो मैसेज दिया है सबको, राजस्थान के सब नेताओं को बुला के बात करी है, जो उनके मैसेज हमारे पार्टी में डिसिप्लिन बहुत है, हाईकमांड जब कोई फैसला करता है उसके बाद में सब लोग उसको मानते हैं, ये आज तक इतिहास है। और आज देख लीजिए वही बात हुई है, हाईकमांड ने जो फैसला दिया, बैठा के बातचीत करी, जो मैसेज दिया, वही आपको नजर आ रही है एकजुटता। सर वही समझना चाहते हैं कि ऐसा एक रात में क्या हुआ जो आपकी बैठक हुई थी खड़गे जी क्या, कि दोनों ही मान गए और आज तक फिर कोई बयानबाजी नहीं हुई, सब कुछ ठीक हो गया? दोनों ने सभी मान गए जी। दोनों ने कई हैं जी, अंदर से अंदर होते हैं, कोई बाहर दिखता है कोई नहीं दिखता है, वो सब माने हुए हैं, सब एकजुट हैं। तो वही राजी का फॉर्मूला समझना चाह रहे हैं कि वो है क्या? एकजुटता है, पार्टी डिसिप्लिन है, और सबसे बड़ी बात यह जो मैं कहता हूँ बार बार, हर कांग्रेस जनों को, अगर वो असली कांग्रेस मैन है, दिल से है, और जो कांग्रेस विचारधारा में विश्वास करता है, उसको देखने देश के हालात क्या है, कोई नहीं जाना देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। जो अप्रोच है बीजेपी की, एनडीए गवर्नमेंट की, बहुत खतरनाक अप्रोच है। इतने बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ईडी, इनकम टैक्स, CBI जो है दुरुपयोग हो रहा है, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक तो जेलों में बैठे हुए हैं, देशद्रोह के आरोप लगते हैं उनके ऊपर। आप अगर आरोप लिख, आप आर्टिकल लिख दो खिलाफ में गवर्नमेंट के,
आवाज उठा दो, आप तो आप देशद्रोही हो। ये कहाँ क्या कहाँ की समझदारी है कि जो देश को लोकतंत्र दिया कांग्रेस ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी बने प्रधानमंत्री, इतने बने कि देश में कांग्रेस ने लोकतंत्र देश को दिया है, संविधान बनाया उस वक्त आजादी के बाद में कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस नेताओं ने बनाया उस वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उस वक्त बनी थी। आज 70 साल उस रक्षा करी इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, देश को एक रखा अखंड रखा, राजीव गांधी शहीद हो गए, तब जाके प्रधानमंत्री मोदी जी इलेक्ट हो पाए प्रधानमंत्री के रूप में, तभी सुनना पड़ता है। 70 साल में क्या हुआ, अभी चंद्रयान 3 गया कल परसों, उत्तरा लैंड किया है, ऐसे ही हो गया क्या? पंडित नेहरू ने स्थापना करी थी इसकी, इंदिरा गांधी ने इसरो बनाया था 69 के अंदर, बेंगलोर के अंदर के हेडक्वार्टर बनाया, तब जाके आज ये स्थिति बनी है। 60 साल में हम लोग सफर तय करते करते आज दुनिया के 4 राष्ट्रों में हम शामिल हुए। आपकी तस्वीर भी देखी कि आप उस समय लाइव जुड़े हुए थे, नहीं थे उस वक्त में, सारा भाई जो थे उनकी सलाह से पंडित नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, इस स्पेस के अंदर क्या होना चाहिए, तो भूल कह सकते हैं, पर लोग भूले हुए हैं। मतलब आप वर्तमान पीढ़ी को सच्चाई बताओगे, इतिहास की बात करोगे, इतिहास की रक्षा करोगे आप, तो जगह आप इतिहास बनाओगे। अगर आप इतिहास को नहीं बताएंगे, नई पीढ़ी को गुमराह करेंगे, बड़े खुश होंगे, अरे पंडित नेहरू ही, उसको कोई दुनिया याद रखती है आज भी, दुनिया के अंदर इतिहास में लिखा हुआ उनका नाम है, आप उनका नाम मिटाना चाहते हो, जिसने नींव रखी देश के अंदर। आज बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, IIT, IIM, एम्स उस जमाने की इंस्टीट्यूट बन गई थी, कृषि को लेकर इंस्टीट्यूट बन गई थी उस जमाने में, आप बताइए, उनका नाम आप मिटाना चाहते हो। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, आप उनका नाम मिटाना चाहते हो, जिससे देश के लिए शहीद हो गई हो, सीधा छल नहीं हो गया उनका, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, आप उनका नाम मिटाना चाहते हो। अगर आप ऐसे कारनामे करोगे, आने वाली पीढ़ी आपको कैसे याद करेगी? ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, ये ना इनके खुद के लिए उचित में है, खुद के लिए उचित नहीं है, ना इनकी पार्टी के लिए है। कब जनता का मूड बदल जाए पता नहीं लगेगा। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, वाजपेयी जी चुनाव हार गए थे, लगता नहीं था, इंडिया शाइनिंग और फील गुड हो रहा था उस वक्त में। ये भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए, ना मोदी जी को होना चाहिए, ना किसी को होना चाहिए। सर, पर मोदी जी का सारा कॉन्सेंट्रेशन राजस्थान में है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि गहलोत वर्सेस मोदी वाला फैक्टर दिख रहा है, आपको लगता है कि कौन है चेहरा रीजनल? इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक अखबार में पढ़ा और मुझे पता लगा कि रात को 3 बजे किसी ने आपको फोन करा और आपको लगा कि 2 मिस्ड कॉल हैं, क्या तकलीफ है, फिर वो तमाम चीजें हुई, आपने आगे कहा, वो परेशान थे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो जब ऐसी ही कोई बात बीजेपी से किसी को करनी हो तो वो किससे करें? वो वसुंधरा जी से करें, ओम बिरला जी से करें, राजेंद्र राठौड़ जी से करें, सीपी जोशी से करें, अर्जुन राम मेघवाल, कौन है चेहरा सर? और अगर मोदी जी हैं तो क्या मोदी जी किस तरह से चेहरा है? आप अपने कॉम्पिटिटर को कैसे देखते हैं बीजेपी? देखिए, वो टेलीफोन की बात आपने उठाई है, तो वही फोन रात को, बाय द वे मेरे नजर पड़ गई कि वो कह रहा रात भर से यहाँ पर DJ बज रहा है, हम लोग सब पूरे मोहल्ले वाले तंग आ गए, मजबूरी में, हम जानते हैं टाइम उचित नहीं, फिर भी आपको फोन कर रहे हैं। तो मैंने, आम आदमी थे सर वो, बिल्कुल मैं जानता नहीं कौन थे, तो मैंने इमीडिएटली फोन किया, पुलिस SP को फोन किया, मेरे जो CMO के हैं उन्होंने आगे बात करी, फिर पुलिस पहुंची, सब DJ भी सब जब्त किया। अब हमने बैन लगा दिया राजस्थान के अंदर, कोई भी रात को 12 बजे के बाद में ना DJ बजेगा, 10 बजे के बाद DJ बज नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 बजे के बाद में कोई स्पीकर लाउड स्पीकर नहीं लग सकता है, और 12 बजे के बाद में जो ये क्लब व्लब जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रग लेते हैं छिप करके, वहां पर क्या अधिकार है? ये नौजवान पीढ़ी बिगड़ रही है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रग चालू हो गया है। तब हमने कहा है कि आप जो है रात में कोई पब कहलाते हैं या क्लब कहलाते हैं, सबको बंद करो और जब्त करो सामान जो भी इनके DJ हैं। मन चले लड़के लड़कियों को छेड़ देते हैं, छेड़खानी करते हैं, मन चले, तो हमने कहा इनको आप इनके रिकॉर्ड बनो, उनको क्लब कार्रवाई करो, और जो हिस्ट्री शीटर होते ही नहीं होते हैं थाने के अंदर, फोटो लग जाती है उसकी,
फोटो लगाने की बात तो बाद में करते जाएंगे, कम से कम उनके रिकॉर्ड में लो पुलिस के अंदर, इनका करेक्टर ये है। आरपीएससी में सब सर्विसेज की नौकरी लगती है वहां पर, ये नाम भेजो इन लोगों के, तो इनको नौकरी लग नहीं सके जिंदगी भर के लिए, सबक सिखाना चाहिए इन लोगों को, वो हमने शुरू कर दिया है। तो हम अपना काम कर जा रहे हैं। अब बात करिए आप बीजेपी के अंदर, बीजेपी में चेहरा जनता ढूंढ रही है, वो तो वो बताएंगे, नड्डा साहब बताएंगे हमारा चेहरा ये होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ। पर सर वो तो कहते हैं कि मोदी जी हैं हमारा चेहरा, उससे काम चल जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री जी को यहाँ आगे थोड़ी सड़क बनाएंगे, यहाँ मैंने कॉलेज खोली है, तहसील खोली है, नगर पालिका बनाई है, सब कुछ किया हमने, यहाँ पर पीएससी खोली है, सीएससी खोली है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोले हैं, विश्वविद्यालय बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे हम योजना आगे बढ़ा रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये काम मोदी जी का नहीं है ना, ये काम तो मोदी जी का नहीं है। तो मोदी जी यार वोट मांगने आ सकते हैं अपनी पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर, पर आप बताइए उसके बाद में ये सब काम जो है मोदी जी आगे ध्यान रखेंगे क्या? मैंने क्या वादे किए थे? एक वादा पूरा नहीं कर पा रहे वो ईआरसीपी का, जो मुख्य बड़ा मुद्दा ही बड़ा योजना है उसका वादा पूरा नहीं कर पा रहे मोदी जी। अगर यहाँ के कैंपेन करके वोट तो मांग लेंगे वो, जो एक वादा ही पूरा नहीं कर पा रहे तो बाकी वादे उनको याद रहेंगे क्या? तो सर अब 2013-2018 वसुंधरा जी फुल फॉर्म में भी थी, फुल फ्रेम में थी, उन्होंने यात्रा निकाली, अप्रैल में शुरू हुई, सितंबर में खत्म हुई, पूरे राजस्थान में हर विधानसभा में। लेकिन अब जो ये यात्रा शुरू हो रही है वो सितंबर में शुरू हो रही है और चारों दिशाओं में चलेंगी, अक्टूबर माह तक आचार संहिता लग जाएगी। बीजेपी एक स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी मानी जाती है, तो उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी होगी? चार लोग होंगे, वसुंधरा जी भी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी भी हैं, सीपी जोशी हैं, सब अपनी अपनी यात्राएं निकालेंगे। देखिए उनका अधिकांश समय तो ये सोचने में बीत गया है कि हम कांग्रेस गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस के जवाब क्या दें, ज्यादातर समय उन्हें व्यतीत चला गया, व्यर्थ चला गया, खुद की सोच पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं लोग, कार्ड ढूंढ रहे हैं, कार्ड ढूंढ रहे हैं, कार्ड कैसे होगी? सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता है दुनिया के अंदर, सच्चाई का विकल्प नहीं होता है। ये सच्चाई है कि हमने काम करके दिखाया राजस्थान के अंदर। अब जनता क्या फैसला करती है मैं नहीं जानना चाहता, वो तो माई बाप जनता ही है। देखो पर मुझे लगता है इस बार सरकार का रिपीट करने का मूड सरकार ने बनाया, जनता ने बनाया कि सरकार इस बार रिपीट होनी चाहिए। पर ये लोग जो है कार्ड ढूंढ नहीं पा रहे हमारे कामों की, हमारे फैसलों की, इसलिए वो पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और लड़ते लड़ते अब यहाँ तक पहुँच गए। आप कह रही हो कि वो चेहरा कौन होगा, चेहरा तो वो ही तय कर सकते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ। कार्ड का आपने जिक्र किया, एक कार्ड वो लगातार बोलते हैं जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, आप वो महकमा आपके पास है। मेरे दो सवाल हैं इसमें। पहला, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, काफी सारे आपने आंकड़े बताए, मैं उसको निकाल के लाई हूं, उस आंकड़ों में आपने दूसरे राज्यों के भी आंकड़े बताए और आखिरकार आपने कहा कि या तो अपराध छोड़िए या राजस्थान छोड़िए, ये बात आपने कही। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि आपके पास है और 2030 के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा विजन होगा आपका, तो दो सवाल। पहला, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में आपने कितनी मजबूती प्रदान की या फिर कोई कमी है अभी जो 2030 तक खत्म करना है? दूसरा, बार बार ये जिक्र होता है, यहां तक कि संसद में भी जिक्र हुआ, जब मणिपुर पे चर्चा हुई तो राजस्थान पर लगातार चर्चा हुई, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन संसद के कहा कि राजस्थान में भी हालात खराब। देखिए तो मुझे इस बात का एतराज है, प्रधानमंत्री जी के दिमाग के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मणिपुर में क्या हो रहा है, तब पहली बार वो प्रधानमंत्री जी मीडिया के सामने गए थे कुछ सेकंडों के लिए, वहां भी नहीं झुके वो, बजाय इसके कि मणिपुर में जो चिंताजनक स्थिति है, गृह युद्ध हो रहा वहां पर, वहां के मुख्यमंत्री मीडिया वालों कह रहे हैं तुम एक रेप की बात कर रहे हो कि लड़कियों को नग्न घुमा दिया और रेप हो गया, 100 से अधिक ऐसी घटना हो चुकी मेरे यहां पर, हजारों FIR दर्ज हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उसके साथ में प्रधानमंत्री जी ने चुनाव दिमाग में रखा राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, और ये कहा मुख्यमंत्रियों को, देश भर के मुख्यमंत्री के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री चाहिए लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक करें। बताइए पूरे देश ने बात सुनी है और किसी ने लाइक नहीं किया,
प्राइम मिनिस्टर अगर बोले मणिपुर के साथ में, राजस्थान का नाम ले, छत्तीसगढ़ का नाम ले, तो प्रधानमंत्री ने हमें उसी दिन जीता दिया जिस दिन आपने मणिपुर से हमें कंपेयर किया। आंकड़े बता दिए हैं, एनसीआरबी का आंकड़े भारत सरकार के हैं, आंकड़े बता दीजिए था नंबर वन कौन है महिलाओं के अत्याचार में, रेप के अंदर, मध्य प्रदेश है, यूपी है, आसाम है, रेप विथ मर्डर कौन है, राज्य ये राज्य है जिनके नाम मैं ले रहा हूं, और राजस्थान को जोड़ दिया आपने मणिपुर से। पार्लियामेंट जानबूझ के बुलाया गया क्योंकि आपको मणिपुर को डायल्यूट करना था, जानबूझ के आपने प्रधानमंत्री खुद बोले, बाद में जो इनके केंद्रीय मंत्री थे या जो लगातार सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त में केंद्रीय मंत्री इनके बीजेपी के वहां बैठते थे, शाम को हमारे यहाँ के नेता लोग बैठते थे, उसी मुद्दे को लेकर, राजस्थान को लेकर महिला में अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा दूसरे राज्यों से, पर राजस्थान बेहतर स्थिति के अंदर क्योंकि हमने जो स्टेप लिया है, नंबर वन FIR कंपलसरी, देश में कहीं नहीं है संभवतया, उसके कारण से 156(3) में केस जो आते थे पहले कोर्ट से, FIR दर्ज नहीं हुई है, चलो कोर्ट चलते हैं, वो आना बंद हो गया लगभग, बहुत कम हो गई। तब से इसका टाइम जो है ड्रास्टिकली चेंज हो गया, बहुत कम हो गया है, चाहे महिलाओं का अत्याचार हो, चाहे SC ST में अत्याचार हो, सबसे कम हो गया है। आंकड़े भी मेरे पास नहीं है, याद नहीं मुझे, आप देखेंगे जो आज मैं बोला हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का, दोपहर को बोला हूँ, वो कम हो गए। और महिलाओं के अत्याचार में, SC ST के अत्याचार पे, रेप विद मर्डर में राजस्थान 10वें नंबर पे, 12वें नंबर पे है, बाकी राज्य बहुत आगे हैं। तो कहने का मतलब ये बदनाम करने के लिए राजस्थान को, डायल्यूट करने के लिए मणिपुर को, जानबूझ के षड्यंत्र रचा गया केंद्र सरकार का, लगातार पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, टारगेट कौन है, राजस्थान टारगेट, जिससे कि मणिपुर के लोग भूल जाएं। ये अप्रोच लोकतंत्र में अच्छी बात है क्या? पूरा देश चिंतित है मणिपुर को लेकर, आज भी चिंतित है। ऐसे मामलों में राजनीति करने के बजाय विपक्ष को साथ लेते आप, सबको साथ भेजते आप मणिपुर के अंदर। आज NDA गवर्नमेंट विपक्षी पार्टी को साथ लेकर भेजती, अगर डेलीगेशन भेजती मान लो, वहां ऑल पार्टी डेलीगेशन जाता मणिपुर के अंदर, असर पड़ता है पब्लिक के अंदर कि भाई हाँ ये बात सब लोग आ रहे हैं, कोई राजनीति नहीं हो रही और हमें समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेप कर रहे हैं या मर्डर कर एक दूसरे का, खून के प्यासे हो रहे हैं, ये माहौल ठीक होता उस वक्त, और ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। डायल्यूट कैसे करो, बस मणिपुर नहीं है वहां तो, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, सब राज्यों में से हो रहा है ये उचित। सर राजनीति हो रही है हर भारत में, हर मुद्दे जब राजनीति की बात आती है तो हर मुद्दे पॉलिटिकल होते हैं, तो जब बीजेपी सड़कों पे उतरेगी तो वो ERCP पे नहीं बात करके लॉ एंड ऑर्डर का इशू यहाँ पर खड़ा करेगी? कहने वाला नहीं, हमारे यहाँ स्थिति बहुत बेहतर है, हमारे यहाँ जो क्रांत होता है सब जगह, पर जो एक्शन का टाइम है बहुत कम है, यहाँ पर दो दो घंटे में पकड़ लेते हैं हम लोग, 2 घंटे में 4 घंटे में 6 घंटे में पकड़ लेते हैं मुलजिम को। अब कल घटना में दोसा के अंदर एक पुलिस वाले गोली लगा दी, भाग गए मुलजिम, 7-8 घंटे में पकड़ लिए उसको, 500 पुलिस के लोग, पुलिसकर्मी अधिकारी सहित 500 लोगों ने कॉम्बिंग किया पूरे एरिया के अंदर, 500 लोगों ने, और आखिर में उसको पकड़ लिया। ADG कैंप तक गया, यहाँ से SP गए, कलेक्टर गए, वहां के जो कलेक्टर थे आपस में कोऑर्डिनेट किया, और 500 लोगों को जो आप देखिए कॉम्बिंग करने लगाया गया, और गांव वालों ने साथ दिया पुलिस का, और आखिर वो पकड़ा गया आदमी, बताइए बेचारा मर गया, वो बेचारा कांस्टेबल, हमने 1 करोड़ का पैकेज दिया, अलग बात है, इस सब पैकेज अलग बात है, नौकरी लगा देंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर जान वापस नहीं आएगी, ये होती घटना है, पर जो एक्शन हमारे यहाँ होता है वो एक्शन अन्य राज्य में नहीं हो पाता है। अब सर बात, क्योंकि राजस्थान चुनाव पर जल्दी से बात कर लेते हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि ज्यादा मुद्दे आपने नहीं दिए तो वो अब बात करेगी, जाति समीकरण को सेट किया जा रहा है, SC अभी जो आपने देखा होगा कि जो मैनिफेस्टो बनाना है उसमें अर्जुन राम मेघवाल उसके हेड हैं, अर्जुन राम मेघवाल SC समुदाय से आते हैं और वो कानून मंत्री बना दिए गए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि उससे एक SC समुदाय उनके तरफ झुकाव होगा, दूसरा ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो जाति समीकरण को सेट किया जा रहा है क्योंकि देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश राजस्थान की राजनीति में जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी काट आपके पास, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पहले जो हमने जमीन पर जाकर आंकड़े देखे
कि पहले माली समाज उस तरह से वोट नहीं करते थे जो इस बार सर्वेज में आया है कि जबरदस्त वोट कांग्रेस को करना करेंगे, तो आपके जाति समीकरण को काउंटर करने के क्या वो है मेथड्स? देखिए, मैं कह सकता हूं कि इनके कोई समीकरण काम नहीं करेंगे। आपने माली समाज की बात करी, माली जो होता है ना वो गार्डन की रक्षा करता है, विभिन्न तरह के रंग के फूल होते हैं, पौधे होते हैं, उन सब की सिंचाई करता है, सींचता है, उनको फल फूल होते हैं उनको पानी देता है। माली का काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक माली बैठा हुआ रहता है मुख्यमंत्री रूप में, तो तमाम जो नाम लिया, हम जाते हुए नाम लिए, ब्राह्मण भी हो, वैश्य भी हो, दलित भी हो, पिछड़े भी हो, मुस्लिम भी हो, कोई हो, ये पूरा गुलदस्ता जो है ये तब सुंदर लगता है जब एक बगीचे में सब तरह के फूल वगैरह हो, फूल पत्तियां अलग अलग कलर के हो, तो कितना खूबसूरत लगता है। अगर आप एक तरह के आप जो ये बात करते हैं, एक ही रंग के फूल लगा दो बगीचे के अंदर, तो बगीचा क्या होगा? तो माली का काम तो है खूबसूरत बगीचे को खींचना और उसको सुंदरता दिखाना। तो मेरा काम वही है जो मैं कर रहा हूं। यदि मुझे यकीन है इस बार जो है सब लोग जाति पाति भूल करके जो ये भड़काते हैं जातियों को, जातिवाद के सारे भड़काते हैं, धर्म के नाम भड़काते हैं, इस बार ना तो धर्म के नाम पे भड़काने की बात चलेगी ना जातिवाद चलेगा। इस बार सब चलेगा, एक माली ने गुड गवर्नेंस दी राजस्थान के अंदर, अकेला एमएलए है अपनी जाति का पूरी असेंबली में अपनी पार्टी में, और वो मैं खुद ही हूँ, एक एमएलए हूँ मैं खुद ही हूँ, तब भी मुझे तमाम जो ये बगीचे के जो फूल हैं अलग अलग, सब जातियों के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, सब मुझे चाहते हैं और मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए मेरी गवर्नेंस अच्छी करनी मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, करता रहूंगा। सर, विनेबिलिटी की बात है, आखिरी विनेबिलिटी के लिए बोला जा रहा है कि जिताऊ उम्मीदवार ही लड़ाएंगे, कांग्रेस कह रही है जल्दी नाम अनाउंस कर देंगे, तो सर विनेबिलिटी में तो कई ऐसे चेहरे हैं जो हो सकता है आउट हो, ऐसा लगता है कई विधायकों की टिकट कटे, कई मंत्रियों की, क्योंकि विनेबिलिटी में एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कई जगह कई लोगों की होती है, तो उसका क्या रणनीति है आपकी? देखिए, इस बार सर्वे भी हो रहा है, केंद्र हमारे हाईकमांड सर्वे करवा रही है, यहाँ भी सर्वे हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार जो है सबका मूड यही है, क्योंकि जिस प्रकार से हालात देश में बन गए ना, तो कांग्रेस के कामयाबी होना देश हित में बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस कामयाब होती है राजस्थान के अंदर, एक मैसेज आएगा पूरे देश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमें सरकार बदलती रहती है। तो ये सोच आज हर कांग्रेस की हो गई है कि हमें कामयाब होना जरूरी है, कांग्रेस को राजस्थान के लिए भी और देश के लिए भी। मेरा मानना, मेरा अनुभव कहता है इस बार लोग जाति पाति से ऊपर उठ करके देश हित में फैसला करेंगे, और देश हित में फैसला होगा कांग्रेस कामयाब हो, जीते कांग्रेस, उसी ढंग से लोग सोचते। नंबर दो, सोचना भी चाहिए, मेरा मानना है हर कांग्रेस में सच्चा सिपाही कांग्रेस का है, सारे मतभेद बुलाओ, राग द्वेष कुछ नहीं हो दिमाग के अंदर, एक ही देव कांग्रेस तिरंगा झंडा मेरा है और मुझे उसको कामयाब करना है। कांग्रेस को कामयाब करने के लिए इंडिया को भी कामयाब, अगर कांग्रेस कामयाब होगी तो इंडिया के मंसूबे बढ़ेंगे आपको लगता है? तो गठबंधन जो बना है तो आप समझ सकते हो गठबंधन को कामयाब करना हम सबका फर्ज बनता है। तो सर फिर उस केस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो आपको लगता है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी गुजरात की तरह चुनाव नहीं लड़ेगी? पता नहीं वो क्या करेंगे, मुझे नहीं मालूम उसकी जानकारी नहीं मुझे, पर डेमोक्रेसी में देखो ये बातें आती है, गठबंधन बन गया, गठबंधन के जो लोग हैं अपने इंटरेस्ट भी देखेंगे राज्यों के अंदर, तो ये तमाम बातें होगी। पर मेरा मानना है अल्टीमेटली पब्लिक का प्रेशर भी है, देश हित के अंदर जो हालात बन गए देश के अंदर, तो आम जनता का प्रेशर भी है पॉलिटिकल पार्टियों पर, सब मिलके चलो और फासिस्ट ताकतों का मुकाबला करो, इतने सब नजदीक आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कामयाब होंगे। आपका तरीका है सबको साथ लेके चलने का, जिसमें आपने बसपा को साथ लिया या बसपा कांग्रेस में आ गई, बीटीपी आपके साथ रही, इंडिपेंडेंट आपके साथ रहे, लेकिन सवाल यह है कि हनुमान बेनीवाल, बीटीपी, बसपा से अब जो चुनाव में उतर रहे हैं, ये तमाम लोग
कांग्रेस के लिहाज से आपकी क्या रणनीति रहेगी, कहीं ये कांग्रेस को नुकसान कर सकते हैं उसको? ये हमारी पार्टी संगठन जो है कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वो समन्वय करेगी जिससे करना होगा, जो अप्रोच करेंगे उनसे अप्रोच करेंगे। ये संगठन का काम है कि किस प्रकार हम सबको साथ लेके चलें और किस प्रकार अलायंस हो या नहीं हो ये वक्त बताएगा, पर ये सब काम संगठन के स्तर से हम लोग शुरू करते हैं। तो अब ये चर्चाएं होंगी, क्योंकि अब आपको टिकट वितरण की भी बात आ रही है, तो किसको साथ लेना है, किसी के साथ राजस्थान में अलायंस करना है, ये सब काम संगठन स्तर पर तय होगा। तो सर काफी कुछ बात रही, आने वाले दिनों में भी आपसे काफी कुछ बात रहेगी, लेकिन जो आपका विजन डॉक्यूमेंट है 2030, वो आप इसको, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अब चुनाव आ जाएंगे तो ये काम एक तरह से रुक जाता है, तो 2030 कैसे आगे बढ़ता रहेगा? 2030 कोई कार्यक्रम थोड़ी बन रहा है, कुछ का विजन है, सोच है। सोच तो जाए कोड ऑफ कंडक्ट लागू भी हो जाएगा तो दिमाग में सोच चलती है, उसको नहीं रोक सकते कोई। जो सोच है, विचार है, वो तो आदान प्रदान हो सकता ना उसका। तो कोई और सरप्राइज आप चुनाव से पहले देने वाले हैं, जिसको अपने जनता के बीच घर पहुंचाने वाले? सरप्राइज क्या हुआ फिर? अगर पहले आप लोगों को बता दूं तो सरप्राइज क्या हुआ? सरप्राइज नहीं, कुछ नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है मुझे। जब मैं बोलता हूँ उस वक्त दिमाग में बात आती है, ऊपर से आती है। मैं कभी पहले नहीं सोचता हूँ बड़ा बड़ा कि मुझे माइक में जाके बोलना है, सोचता हूँ और हूँ, और जब माइक में जाता हूँ तो गॉड गिफ्ट है, विचार आते हैं, मैं बोल जाता हूँ। तो हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से तमाम मुद्दों पर बात करी, अब एक डेढ़ महीने का समय बाकी है और जादूगर के पिटारे में से क्या कुछ निकलेगा, क्या कुछ आपके घर तक पहुंचेगा, लेकिन बात यह है कि 2030 कोई राजनीतिक बात नहीं है, 2030 राजस्थान की भलाई की बात है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 1 करोड़ लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, यानी कि आप लोगों की भी भागीदारी है, आप लोग अपना राजस्थान कैसे चाहते हैं, तो खुलकर आइए, बाहर आइए, अपने सुझाव दीजिए और राजस्थान को वो स्वर्णिम चोटी पर ले जाइए, क्योंकि ये एक प्रयास है जो साझा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी आज इस संवाद। आपको शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।